डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक और एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं बायोट सेवर्ट्स लॉ की। एंड व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉयल। हमने लास्ट वीडियो में मैग्नेटिक फील्ड निकाला था एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कॉयल, बट इसमें क्या है, हमने एट द एक्सिस, उसके एक्सिस पे कोई पॉइंट पे निकालना है बेटा। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान देनी है। डिफ्रेंशिएट करते हुए चलोगे तो आप बड़ी आसानी से समझ पाओगे चीज़ों को। एक लास्ट जो वीडियो अपडेट की थी, अपलोड की गई थी, उसमें बेटा बताया गया था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल। इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल। तो देखते हैं बेटा कैसे होगा ये टॉपिक। सो बेटा देखो जरा, वी हैव अ सर्कुलर कॉयल, करंट कैरिंग कॉयल है बेटा, ठीक है। करंट इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन एज शोन इन द डायग्राम। क्लियर है? सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि दैट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है बेटा। अब ये भी ध्यान देना है कि ये जो OP है, दैट इज द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉयल। तो इस एक्सिस पे P पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल। उसके लिए जो O से P का जो डिस्टेंस है दैट इज X, और जो रेडियस है सर्कल की दैट इज A। क्लियर है बेटा? और यहाँ पे जो करंट एलिमेंट है उसको C से इंडिकेट किया गया है, और यहाँ पे जो करंट एलिमेंट है उसको D से इंडिकेट किया गया है। और करंट एलिमेंट की वजह से पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशन है बेटा बायोट सेवर्ट्स लॉ की, हमें पूरी सर्कुलर कॉयल की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बायोट सेवर्ट्स लॉ को यूज़ करते हुए एक करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे निकालेंगे, फिर ऐसे ही इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? देन फिर हम उसकी हेल्प से देखेंगे और निकालेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर कॉयल। क्लियर है? सो देखते हैं बेटा कैसे चलता है ये। और यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ये करंट कैरिंग एलिमेंट और ये क्या है पॉइंट पी, जहाँ पे मुझे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और आपको पता है कि जो करंट एलिमेंट होता था और पॉइंट पी होता था, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता था उसको हम क्या लेते थे, आर लेते थे, या पोजीशन वेक्टर क्या होता था, स्मॉल आर होता था बेटा। ये चीज़ थोड़ा सा आपने ध्यान देनी है। तो इसको अगर हम देखें, इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये एंगल फाई है बेटा। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जरा थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, क्योंकि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो रेडियस है ना बेटा ये सर्कुलर कॉयल की, वो स्मॉल है। तो इसलिए जो फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू द करंट एलिमेंट विच इज एट पॉइंट सी इज म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90/r². समझ आ रही बात बेटा? जरा ध्यान से देख लेना, क्योंकि जो ये ए है दैट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। आप जरा खुद से सोचें, जरा अगर मान लीजिए मैं यहां बनाऊं ये और पी पॉइंट यहां बना दूं, ये ओ बना दूं, और ये जो है देखो बेटा और स्मॉल हो गया। आप जरा ध्यान से देखें, अगर ये यहां हो जाएगा तो करंट कैरिंग एलिमेंट ये होगा और ये बन जाएगा। अगर ये रेडियस इतनी होगी तो करंट एलिमेंट यहां होगा, ये इतना हो जाएगा। तो धीरे 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 जो है अल्टीमेटली जो करंट एलिमेंट है यही आ गया। अब करंट एलिमेंट और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो तो जो है वो रहेगा, बट जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान देना है। ये अजम्पशन है हमारे पास यहाँ पे कि जो सर्कुलर करंट कैरिंग कॉयल है उसकी जो रेडियस है दैट इज स्मॉल, ए की जो वैल्यू है वो क्या है, बहुत कम है, तो इसलिए एंगल जो हुआ दैट इज 90 डिग्री। क्लियर है? चलो अब आगे देखो, ये जो सोल्व किया तो क्या आता है बेटा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वेयर।
दिस इज डी बी। अब हम क्या करते हैं, आर स्क्वेयर की वैल्यू देखते हैं बेटा। तो क्लियरली आपको पता लग रहा है ये पाइथागोरस थ्योरम है बेटा इन ट्राइंगल सी ओ पी। ठीक है बेटा, अगर ये पॉइंट सी है तो ट्राइंगल सी ओ पी में पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। आर क्या है, हाइपोटेन्यूज की तरह एक्ट कर रहा है। सो आर स्क्वेयर जो होगा दैट विल बी ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। यहां वैल्यू रख देता हूं ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, दिस इज नंबर वन, क्लियर। अब अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड की ये जो वैल्यू आई इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो बेटा बड़ा सिंपल है, जैसे आप पहले पढ़ते आए हैं जो डायरेक्शन होगी डी बी की एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डी एल एंड आर। आर ये रहा और डी एल ये रहा, ठीक है बेटा, इनके परपेंडिकुलर होगी दोनों के, और विच इज गिवन बाय द और डायरेक्टेड बाय द राइट हैंडेड स्क्रू रूल। और अगर हम बात करें इसकी सो दैट इज सिंपली एक्टिंग, दैट विल बी एक्टिंग अलोंग पी ई परपेंडिकुलर टू सी पी, पी ई परपेंडिकुलर टू सी पी। जरा अब यहां पे ध्यान से देखें, आपको यहां पे बोर्ड पे ऐसे दिख रहा है बट रियलिटी में कैसा होगा बेटा। ठीक, अगर मैं इसको ऐसे ही ले लूं ये चीज या ऐसे समझाऊं, क्योंकि ये आप रेडियस से कंफ्यूज हो सकते हैं, यहां पे ये चीज देखें, ये मैंने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, जरा ध्यान से समझना, ठीक है बेटा। तो मुझे क्या करना है, इस करंट एलिमेंट की वजह से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, या अगर आप ज़्यादा इसको और प्रॉपरली देखना चाहते हैं तो दैट इज लाइक दिस, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप रेडियस से कन्फ्यूज ना हो जाएं, आप अगर लगता है आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप ऐसे ही कर सकते हैं इसको, ठीक। तो ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये करंट एलिमेंट है, इसकी वजह से यहाँ पे पी पॉइंट पे इसकी वजह से देखना है, तो दैट इज दिस, क्योंकि ये इस प्लेन में है करंट एलिमेंट, और जो रेडियल जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज इन दिस प्लेन, तो इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर बेटा ऐसे, क्लियर, समझ आ रही है बात, ये चीज़ ध्यान देनी है आपने। तो देखो जरा पी ई जो है परपेंडिकुलर है टू द सी पी। अब बात करते हैं इस करंट एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की बेटा, तो क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट एट डी, डी पॉइंट पे जो करंट एलिमेंट है बेटा इसकी वजह से अगर हम देखें तो क्या है बेटा, तो वो क्या आएगा अगर इसकी वजह से देखेंगे यहां पे, तो बेटा जी सेम म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। नंबर टू, उसको डी बी डैश बोल देते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सके दोनों के बीच में। अब मतलब इसकी वजह से यहां पे क्या आ रहा है, दैट इज ऑल्सो सेम, इसको बनाएं अगर हम तो बेटा जी दिस और ये लो जी, ठीक है, ये ओ से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज अगेन ए। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूं तो वो क्या होगी, तो बेटा जी वो भी परपेंडिकुलर, लो जी, बट उसको मैंने लिखा क्या, दैट इज पी एफ परपेंडिकुलर टू पी डी, ध्यान देना बेटा। अब जरा ध्यान से समझें, एक चीज तो है ऊपर जा रही है ऐसे और दूसरी चीज नीचे आ रही है ऐसे, ठीक है, मतलब दिस इज डायरेक्शन ऑफ डी बी एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ डी बी डैश। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि बेटा मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन तो चाहिए ना मेरे को, ठीक है, और नेट मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस डी बी को रिजोल्व करते हैं, अगर ये एंगल फाई था तो ये भी क्या बेटा फाई, इसको रिजोल्व करते हैं, तो अगर इसको देखें इसको रिजोल्व करें तो दैट इज अलोंग दिस पी एक्स के अलोंग है, इसको मैं एक्स बोल देता हूं
दैट इज एक्स. तो डीबी को रिजोल्व किया बेटा, एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है. अगर ये एंगल फाई है तो दिस एंगल इज ऑल्सो फाई. क्लियर? अगर ये फाई है तो इसके साथ वाला कंपोनेंट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एंड दैट विल बी डीबी कोस फाई. और ये क्या होगा बेटा? दैट इज डीबी साइन फाई. अब बात करते हैं इसकी, डीबी डैश की. अगर इसको रिजोल्व करूंगा तो बेटा जी इसका एक कंपोनेंट यही आएगा और एक ये आएगा, ठीक है? और ये एंगल क्या होगा बेटा? फाइव. क्लियर? ये डी बी डैश यहाँ लिख देते हैं और ये जो कंपोनेंट होगा दिस विल बी डी बी डैश कोस फाइव. तो बेटा जी और ये क्या होगा? दिस वन विल बी डी बी साइन फाइव, डी बी डैश साइन फाइव. क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखें तो दिस वन डी बी डैश साइन फाइव, ये डी बी साइन फाइव, दिस वन डी बी कोस फाइव, दिस वन इज डी बी डैश कोस फाइव. अगर डायग्राम को देखें, क्योंकि डी बी और डी बी डैश दोनों इक्वल हैं, सो डी बी कोस फाइव और डी बी डैश कोस फाइव विल बी इक्वल एंड अपोजिट. तो क्या करेंगे बेटा? ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. रह गया ये डी बी साइन फाइव एंड दिस वन डी बी डैश साइन फाइव. तो दोनों क्या हैं? एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं. यहां से हमें ये पता लगा कि भैया पूरी की पूरी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल की वजह से इसके एक्सिस पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी अलोंग पी एक्स. किसके अलोंग चलेगी? वो पी एक्स के अलोंग चलेगी. ऐसा ना करें कि आप नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल दें एट पी और लिख दें 2dB साइन फाई. दैट विल बी रॉन्ग. वो 2dB साइन फाई लिखने का मतलब क्या हुआ? आपने दोनों करंट एलिमेंट की वजह से लिख दिया टोटल. बट मुझे क्या करना है? एक करंट एलिमेंट की वजह से निकाल लो और उसको क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो. फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भैया ये दूसरे के लिए क्यों किया फिर? ठीक है, दूसरे को सिर्फ इसलिए किया ताकि हम करंट कैरिंग एलिमेंट्स की वजह से पी पॉइंट पे नेट डायरेक्शन निकालने मैग्नेटिक फील्ड की क्या रहेगी. सो आगे चलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल क्या आता है. तो देखो बेटा, बी जो आएगा दैट विल बी डी बी साइन फाई की इंटीग्रेशन. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? डी बी की वैल्यू रखूँगा और साइन फाई की वैल्यू रखूँगा. सो बी इज इक्वल टू दैट इज डी बी साइन फाई की दोनों की वैल्यू रखनी है, एक साइन फाई की और एक डी बी की. डी बी की वैल्यू मेरे पास क्या है? दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4π आई डी एल. अब I तो ये एज इट इज, साइन फाइव भी एज इट इज, और अगर हम बात करें डिनोमिनेटर में तो ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर आ रहा था बेसिकली. अगर हम बात करें तो DB की जो वैल्यू थी दैट वाज साइन फाइव नहीं आएगा यहाँ क्योंकि एंगल 90 डिग्री था. तो दैट इज दिस, ये तो वैल्यू आ गई मेरे पास बेटा B की. क्लियर है? DB जिसको बोल रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, डीबी या डीबी डैश एक ही बात है बेटा. ये डीबी की वैल्यू है और यहां पे मैंने लिख दिया साइन फाइव. ठीक है जी, लो जी. अब मुझे क्या करना है? इसको सॉल्व करना है. यहां से जो जो वैल्यूज मैं निकाल सकता हूं वो सारी वैल्यूज मैं यहां लिखूंगा. तो सबसे पहले मुझे क्या करना है बेटा? इस डीएल को यहीं अंदर छोड़ना है क्योंकि ये वेरिएबल है, उसकी वैल्यू रखनी है और फिर साइन फाइव की वैल्यू रखनी है बेटा. ठीक है, चलो देखते हैं. सो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π आई साइन फाइव अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डीएल. अब डीएल क्या है? लेंथ ऑफ द सर्कुलर कॉयल, मतलब सरकमफ्रेंस. ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2πa. और साइन फाइव की वैल्यू क्या होगी? साइन फाइव. ये ट्राइंगल में देख लो सी ओ पी में, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज. ठीक है, सो दोनों की वैल्यू अगर रखूँ मैं तो म्यू नॉट अपॉन 4π आई साइन फाई की वैल्यू, पहले तो ये लिख लो अभी जरा, अब साइन फाई की वैल्यू रखो. साइन फाई की वैल्यू रखेंगे तो ए अपॉन
रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और अब डीएल की वैल्यू 2πa। लो जी सभी की वैल्यू रख दी, ठीक है, ये आ गया b, और ये किसके अलोंग एक्ट करेगा, दैट विल बी एक्टिंग अलोंग px। ये ध्यान दें जरा, तो यहां वैल्यू अगर रखेंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं बेटा बस, तो क्या बन जाएगा ये म्यू नॉट अपॉन 4πi अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, ठीक है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है न्यूमरेटर में, ये क्या हो जाएगा बेटा 2πa² दिस ऑल, और इसको लिखेंगे हम अलोंग बी एक्स। ये वैल्यू हुई बेटा b की। अब एक क्वेश्चन मन में आता है कि भैया अगर यही सर्कुलर कॉयल की जगह मेरे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएं हैरिंग सर्कुलर कॉयल में ही, तो क्या होगा, मतलब इफ वी आर हैविंग विद अस ए सर्कुलर कॉयल विच इज कैरिंग n नंबर ऑफ टर्न्स, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, बस जो यहाँ पे आपने लेंथ की जगह 2πa लिखा था ना, यहाँ पे n भी मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में, ठीक है बेटा। सो b जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इन केस ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स, सो बेटा इन केस ऑफ n टर्न्स क्या डिफरेंस आ रहा है, अगर आप कंपेयर करें तो देखो इतना तो आप पहले भी पढ़ते थे म्यू नॉट अपॉन 4πi अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल द पावर 3/2, फिर न्यूमरेटर में 2πn², इतना आप पहले भी पढ़ते थे, ठीक है, अगर हम बात करें तो, बस यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई में क्या किया साथ में उसके n कर दिया, बिकॉज वी हैव n नंबर ऑफ टर्न्स बेटा, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देनी है आपने। सो दिस इज ऑल विच आई वॉन्टेड टू कवर इन दिस वीडियो बेटा, दिस वॉज अगेन मैं बता दूँ आपको अनदर एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट्स लॉ, जिसमें हमने सर्कुलर करंट कैरिंग कॉयल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाली है बेटा, ये चीज़ आप ध्यान से देखें बेटा, टेक केयर बेटा, पढ़ते रहें।